हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। नेहा स्कोर 75% इन साइंस, 95% इन मैथमेटिक्स एंड 70% इन इंग्लिश। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट वर 80, 100 एंड 70 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एग्रीगेट परसेंटेज। यहाँ पे देखिए, आपको कहा गया है नेहा ने स्कोर किया था 75% इन साइंस, 95% इन मैथमेटिक्स एंड 70% इन इंग्लिश। यदि मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे साइंस के हैं वह 80 है और मैथमेटिक्स के 100 है एंड इंग्लिश के 70 है, तब हमको फाइंड करना है एग्रीगेट परसेंटेज। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नेहा स्कोर इन साइंस, तो ये हमको पता है 75% है एंड नेहा स्कोर इन मैथ्स, ये हमारा 95% है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। नाउ नेहा स्कोर इन इंग्लिश, ये हमारे 70% है, ये भी हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम, ये यहाँ पे निकालेंगे हम सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेंड इन साइंस। तो साइंस में जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वह उसने किए हैं 75% ऑफ 80। यहाँ पे हमको गिवन है 75% ऑफ 80, ये हम कैसे निकालते हैं? देखें, यहाँ पे 75 अपॉन 100 इंटू 80 हम कर देंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन कराएंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि साइंस के अंदर उसके 60 मार्क्स आए हैं। इसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथ्स, मैथ्स के अंदर उसके 95% ऑफ 100 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स उसके 100 है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कराएंगे तो आपका ये 95 आ जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पे लास्ट में हमारा इंग्लिश का मार्क्स बचता है, तो वो भी हम निकाल लेंगे मार्क्स ऑब्टेंड इन इंग्लिश, ये हमारे कितने हैं? देखिए, यहाँ पे 70% है, यहाँ पे आपका 70% है ऑफ 70 का, 70 का 70% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आपका 70 अपॉन 100 इंटू 70। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करानी है तो यहाँ पे आपका जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये आपका 49 हो जाएगा। यहाँ तक ये हमने आपके ये मार्क्स निकाले हैं, उसने किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स गेन किए। नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स, जितने भी हमने मार्क्स निकाले हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। 49 प्लस 95 प्लस 60, तो यहाँ पे सभी का ऐड करने के पे हमारा हो जाएगा ये 204। इसी तरह यहाँ पे देखिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ये देखिए हमको दिया हुआ था, एक तो आपका 75 था प्लस
हंड्रेड था प्लस यहाँ पे आपका 70 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। नाउ अब हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, किसकी, मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू ऑब्टेंड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो यूज़ करने पे हमारा देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमारे हो जाएंगे, देखिए उसका ऑब्टेन मार्क्स कितना था टोटल, वो था आपका 204 अपॉन 250 इंटू 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, एंड यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेशन कराएंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा 2040 अपॉन 25। एंड इसको हम सिंप्लीफाई कराएंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपका ये आएगा 81.6%। तो यहाँ पे हैंस आपका हो जाएगा मैक्सिम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 81.6%। यही हमको यहाँ पे निकालना था। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।